हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज का जो हमारा वीडियो है ये एक न्यू टॉपिक पे बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, जो काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है, क्योंकि आप जब तक आपको देश के बारे में, दुनिया के बारे में नहीं मालूम है, तब तक आप समझदारी से अपने ज़िंदगी के फैसले नहीं ले सकते। इसलिए आज का जो टॉपिक है हमारा ये है अग्निपथ अग्निवीर के बारे में, जो इंडियन आर्मी का न्यू रिक्रूटमेंट स्कीम आया गया है जो सरकार ने लॉन्च किया। इस बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। दोस्तों वैसे तो मैं इस टॉपिक पे एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन न्यूज़ में जो मैं देख रहा हूँ और जो मैंने सुना, तो सबसे पहले तो मुझे ये काफ़ी अट्रैक्टिव स्कीम लगी कि 4 सालों के लिए रिक्रूट किया जाएगा। लेकिन इसमें कुछ जो है वो दिखने के हिसाब से फ़ायदे भी है और कुछ नुकसान भी है। जो न्यूज़ में चल रहा है अभी, आज की न्यूज़ में जो आज 16 जून है, तो उसमें ये दिख रहा है कि काफ़ी जगहों पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं और लोगों को अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। स्पेशली जो यूथ है जो काफ़ी समय से रुके हुए थे आर्मी ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि न्यूज़ में मैंने ये पढ़ा है कि पिछले 2 सालों से रिक्रूटमेंट नहीं हुआ कोविड की वजह से या किसी और कारणवश। तो ये जो अग्निपथ का जो न्यू स्कीम आई है, इसके अंदर ये स्कीम आई है कि यंग लोगों को, मतलब आपको जो है वो 21 साल तक होना चाहिए अपनी एज या उससे कम, तो आपको रिक्रूट किया जाएगा 4 सालों के लिए। आपको तकरीबन 30,000 रुपये के करीब सैलरी मिलेगी और जब आप एग्जिट करोगे 4 साल बाद तो आपको 12 लाख रुपये मिलेंगे। और अगर मतलब 100 लोगों ने अगर ज्वाइन किया तो उसमें से सिर्फ 25 लोग को आगे चुना जाएगा उनकी काबिलियत के हिसाब से। तो दोस्तों इस तरीके से अग्निपथ स्कीम है और काफ़ी सारे लोग इस पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में काफ़ी सारे लोगों का ऐसा सोच है कि ज़्यादा मोटी सैलरी नहीं हो लेकिन सरकारी नौकरी हो, क्योंकि सरकारी नौकरी का मतलब होता है परमानेंसी, एक स्टेबिलिटी, एक स्थिरता कि हाँ हमारा लड़का तो सरकारी नौकरी में है तो उसकी नौकरी पक्की रहेगी, कभी उसे नौकरी से निकाला नहीं जाएगा। जैसे कॉरपोरेट्स होती है तो कॉरपोरेट्स में से नौकरी से निकाले जाने का रिस्क हो सकता है, लेकिन सरकारी नौकरी में ऐसा रिस्क नहीं होता। नौकरी रिटायरमेंट के बाद अच्छी पेंशन भी मिलती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैं जानना चाहूँगा कि आप लोगों के क्या व्यूज़ हैं, आप कमेंट्स में लिखिए।